खेमे के अंदर तालीम का हसूल बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में गैर मामूली नहीं है। 7 साला बीबी नाइला दुश्वार गुजार पथरीली रास्ते से रोजाना 1 घंटे का पैदल सफर तय करके अपनी छोटी बहन भाइयों के साथ घर से कोसों दूर केरले कजा नामी स्कूल जाती है। नाइला कहती है कि उनके इलाके में स्कूल तो मौजूद है, ताहम वहाँ पे ना असातजा और ना ही तालीम और तरबियत का कोई सिलसिला मौजूद है। जिला रूप से महज 30 किलोमीटर की मुसाफत पे बोबे अरबजई करले कजा में महज 2 कमरों पर मुश्तमिल इस मिडिल स्कूल में लगभग 120 बच्चे जेर तालीम है। ताहम 7 साल पहले प्राइमरी से मिडिल स्कूल का दर्जा हासिल करने वाले इस इदारे में आज भी बच्चे खेमे के अंदर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। हमारे पास यही जो है प्राइमरी सेक्शन के कमरे हैं, स्कूल का बाउंड्री नहीं है। बच्चों को इन 2 कमरों में बिठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अचानक यहाँ पे एक दौरा किया, फिर उसने हमारे साथ एक वादा किया, वही उसने खेमा भी हमें दिया। हमने अपनी आप में अपनी मदद आप कहते हैं, यहाँ पे एक चबूतरा भी बच्चों के लिए बनाया ताकि आंधी तूफान वगैरह से हमारे बच्चे महफूज हो सके। महकमा तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान में इस वक्त लगभग 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, जिसमें मजीद इजाफे का भी खदशा मौजूद है। नाइला समेत करले कजा के इस मिडिल स्कूल में असातजा और तालिब इलम अपने इलाके के नुमाइंदों से इल्तजा करते हैं कि उनको बुनियादी सहूलियात दी जाए ताकि उनका तालीमी सिलसिला मुतासिर ना हो। अता काकड़, डेली कुदरत, जो दायरा लगाए।